हरे जय श्री कृष्णा। आज मैं अपने गोपाल जी का मॉर्निंग व्लॉग बनाने जा रही हूँ। अब हम गोपाल जी को उठाने जा रहे हैं। ये सो रहे हमारे गोपाल जी। तैयारी अब ये सब है ना, इसे चंदन वगैरह लगाती हूँ सुबह सुबह, तुलसी फूल ये सब डाल के गंगा जल डालूँगी। अब ये सब नहाने जा रहे हैं, नहला के फिर इनको पोशाक पहनाऊँगी। अब देखिए नहाने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले लड्डू को बिठाऊँगी, फिर केशव बैठेंगे, फिर हमारे कानू बैठेंगे। अब ये चारों को मिलके अब इनको मैं नहलाने जा रही हूँ। अब मैं गुलाब जल डालूंगी थोड़ा सा, इसमें गुलाब जल डालती हूँ सुबह सुबह, थोड़ा गंगा जल डाल लेती हूँ, इससे इनको नहलाती हूँ। आजकल फूल तो मिलते नहीं हैं, फिल्टर के पानी से नहला देती हूँ मैं। हमारे यहाँ तो वैसे गंगा वाटर आता है यहाँ पे, इसलिए देखो ये तैयार हो रहे नहाने के लिए। कह रहे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे जल्दी से नहला दो। कपड़े निकालने देखिए, आज हमारे लड़की गोपाल जी कौन सी ड्रेस पहनेंगे। सबसे पहले इनको ही तैयार करती हूँ कि ये बहुत खुश होते हैं। हमारे घर में सबसे पहले इन्हीं को तैयार किया जाता है, यानी तो गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए इनको ही तैयार करते हैं। ये बहुत खुश रहते हैं, ये रोज़ रोज़ अपनी नई नई ड्रेस पहना करते हैं। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। देखो कुंज जी अच्छे से तैयार हो के
सारा परफ्यूम वगैरह लगा के रेडी हो जाते हैं, कहते पहले मुझे ही तैयार करो इसके बाद और सबको तैयार करो। देखो कितने खुश हो रहे हैं, इनके कपड़े भी बहुत जल्दी से मिलते भी नहीं हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं। अब देखो इन्होंने लगा लिया अपना मुकुट, अब रेडी होके जा रहे हैं बैठने। अब इसके बाद में बारी आएगी हमारे लड्डू जी की, लड्डू जी को अब रेडी करेंगे। ये तो बेचारे बहुत खुश वैसे भी रहते हैं, अब हमारे यहाँ पे इनकी बारी आती है दूसरे नंबर पे। अब देखो आज ये पहनेंगे ग्रीन कपड़े और अच्छे से रेडी होके फिर नहा के फिर इनको भो देखो इनको तैयार करके अब इनको बिठाएंगे। घर में जब ये गोपाल जी होते हैं इतना अच्छा लगता है, इनके बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हमारे गोपाल जी जब से आए जब से घर में बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठ के इनको मैं रोज़ नहला के कपड़े पहनाती हूँ, नए नए ड्रेस, इनको नई ड्रेस पसंद आती है, रोज़ एक नई ड्रेस बदलते हैं, है ना। इतने देखो कितने खुश हो रहे हैं, सही भगवान का ही रूप होता है ये तो। बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, इनको नए कपड़े ना पहनाओ तो गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। ये देखो कैसे तिलक लगवा रहे, कह रहे दूसरी बारी हमारी आती है, हमें भी तैयार करो इसके बाद में कुछ काम करो। मैं तो सुबह उठ के बस इन्हीं का करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखो अपना मुकुट पहनेंगे, बाल लगाएंगे, इसके बाद में ये फिर आराम से बैठेंगे। फिर इनको है ना दोपहर में हल्के कपड़े पहना देती हूँ। अब देखो ये हो गए रेडी, अब ये जा रहे हैं अपने आसन पे बैठने के लिए। अभी देखो अब ये देखो कितने खुश हो रहे हैं सारा काम करके। अब ये जाएंगे अब बैठने के लिए आसन, फिर अब देख रहे हैं ना कि हमारा भोग कब आएगा बन के। अब देखो अब जा रहे केशव के पास बैठने के लिए, देखो कितने खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको घर में। ये देखो आके बैठ गए अपने आसन पे। अब बारी आएगी हमारे कानू जी की, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कब हम रेडी करे जाएंगे, देख रहे हैं भाई। अब इनको भी कपड़े पहनाने तो होते हैं। अब देखो ये तैयार होंगे, ये भी बहुत खुश रहते हैं, इनको तो कभी भी तैयार कर दो है ना, ये तो बेचारे बहुत भोले से हैं। अभी आज पहनेंगे ऑरेंज कलर की ड्रेस, इनको यही ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इनकी बारी आती है तीसरे नंबर पे। अब देखो ये धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं, अभी देखो अब इनको पहनाएंगे हार। अभी ये हार पहनेंगे, इनके छोटे छोटे चीज़ें मिलती भी नहीं जल्दी से। अब देखो इन्होंने पहन लिया हार, अब देखो भाई ये अपने चूड़ी कंगन पहनेंगे। अब ये पहनेंगे अपनी पगड़ी, देखो रेडी होके बैठेंगे। जब से ये हमारे घर में आए बहुत अच्छा लगता है, देखो ये भगवान का ही रूप होता है, कितना सुंदर लगता है घर में, बच्चों की तरह रहते हैं। मैं तो इनके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती हूँ। अब हमारे ये हैं कानू जी, ये देखो तैयार होके, मैं तो सुबह रोज़ उठ के इनको ही जल्दी से तैयार करती हूँ, इसके बाद कोई भी काम करती हूँ। अब ये भी देखो जा रहे हैं अपने आसन पे बैठने के लिए, ये बैठ गए देखो। अब बारी आएगी हमारी लाडो की, अब ये देखो हमारी राधा रानी, अब ये रेडी हो रही हैं। इनका बाद में नंबर आता है, ये फिर भी खुश रहती हैं। ये देखो अब ये पहन रही हैं अपना मंगलसूत्र, और ये सारा इनका निकाल के रख देती हूँ, फिर ये अच्छे से तैयार हो जाती हैं। इनको भी तैयार करना बहुत अच्छा लगता है, घर में इनके बिना तो कुछ भी नहीं लगता। अब ये देखो पहन रहे हैं अपने सारे गहने, खुश होके पहन रही हैं।
कहते मुझे बाद में ही तैयार किया जाता है, फिर भी खुश रहती हैं। ये देखो तैयार हो रही हैं। अब तैयार हो के कह रही मुझे भी जल्दी जल्दी से तैयार करो, सब तो तैयार होके बैठ गए। ये हमारी हैं राधा रानी, इनको हम सबसे बाद में घर में लेके आए, इसलिए बाद में ही तैयार होती हैं। सबसे पहले घर में आए हमारे लड्डू जी, फिर हमारे कानू जी आए, फिर हमारे केशव आए, अब हमारी लाडो जी आई। ये देखो कितनी सुंदर लगती है हमारी लाडली। ये देखो पहन लिए सारे कपड़े, अब अपना पर्स लिया, अब जा रही हैं अपने आसन पे बैठने के लिए। देखो कितनी सुंदर लगती हैं, दिख रहा है? ये देखो अब शीशा देखेंगी। अभी भी रेडी हो गई, अब इसके बाद हमारी होगी पूजा, फिर इनका लगेगा भोग। अभी भी अपने आसन पे बैठेंगी, इतना काम मैं सुबह सुबह इनका करके इसके बाद पानी पीती हूँ। अब देखो सारे बैठे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान जी। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, फिर इनका भोग लगाऊंगी। अब देखिए मैं पूजा करके, सबसे पहले मेरा सुबह का काम यही होता है, पहले भगवान जी को नहलाना धुलाना, इसके बाद फिर पूजा करके फिर मैं तुलसी मैया पे जल चढ़ाती हूँ। सुबह का मॉर्निंग रूटीन हमारा यही होता है। इसके बाद मैं भोग लगाती हूँ, फिर मैं पानी पीती हूँ। अब देखिए मैं इनको सार पूजा उजा करके तुलसी पे जल चढ़ाऊँगी। चने, चने इनको बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो कभी कभी इनको चने, लोबिया, स्प्राउट ये सब बना कर देती रहती हूँ, और चने के साथ ये खाएंगे आज सलाद। सलाद के आम, आम इनका बहुत फेवरेट है, इसलिए आम इनको ज़रूर मैं देती हूँ। अब देखो ये तैयार होकर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कब हमारा खाना आएगा। अब इनको जल्दी से खाना खिलाऊँ जब ये खुश होंगे, वरना मुँह बना कर बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी बना के इनके लिए ले जा रही हूँ सलाद, जितना भी है सब बदल बदल के मैं इनको देती रहती हूँ। इसके बाद और सब लोग खाते हैं। अभी भी इंतजार कर रही हूँ बैठ के, देखिए आम हो इनका जल्दी से खा। सीजन में आम भी आ रहा है, इसलिए आम जामुन ये सब इनको भी खिलाने चाहिए, इसलिए सब देते रहते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा भोग रेडी, अब लेकर जा रहे हैं इनको खिलाने के लिए, कर रहे हैं इंतज़ार कि हमारा कब आएगा खाना। ये देखिए ये बैठे हुए हैं, अब ये खाएंगे। ये सब तैयार होके बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कब आएगा नाश्ता। अब देखिए अब तुलसी का पत्ता डालूंगी, तुलसी के बिना तो भोग भी सही नहीं होता है, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। मिश्री का भोग, मिश्री भी रोज़ मिश्री का भी लगाते हैं।
देखिए अब ये चने आम ये सबका भोग लग गया।